नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस वर्सेस विप्रो के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट के बारे में। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा इस शेयर के प्राइस पे, क्योंकि इन्फोसिस और विप्रो दोनों के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट में काफ़ी जंप हुआ है प्रॉफिट में और रेवेन्यू दोनों में। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इन्फोसिस है उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में जंप हुआ है, विप्रो में भी। नेट प्रॉफिट जो जंप हुआ है इन्फोसिस का 16.8% से यहां पर देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप हुआ है प्रॉफिट में, क्वार्टरली प्रॉफिट में जंप हुआ इतना। जो दिसंबर क्वार्टर है पिछले साल का, मतलब फाइनेंशियल 20 का, उससे फाइनेंशियल ईयर 21 का प्रॉफिट जो है 16.8 से जंप हुआ है दिसंबर क्वार्टर का। तो दोस्तों साथ ही साथ रेवेन्यू भी यहां पर जंप हुआ है 12.3% से, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन मतलब न्यूज है। और जो प्रॉफिट राइज होकर के हुआ है दिसंबर क्वार्टर का वो है 5,215 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर पिछले साल का था 4,466 करोड़ का। और वहीं जो रेवेन्यू राइज हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेसिस टू इतना करोड़, मतलब इस साल रेवेन्यू हो चुका है 25,000 करोड़ का। तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज है दोनों ही स्टॉक्स के लिए। तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में जंप हो गया इन्फोसिस का 16.8% का प्रॉफिट में जंप। वहीं जो विप्रो है उसके प्रॉफिट में जंप हुआ 21% का, मतलब इन्फोसिस से ज़्यादा विप्रो के प्रॉफिट में जंप हुआ है 20.8%, मतलब 20.8% मतलब 21% का जंप। और ये प्रॉफिट जंप होकर के हो चुका है 2,966 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का, जो कि पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर का जो मतलब नेट प्रॉफिट था वो था 2,455 करोड़ का। वहीं विप्रो का जो रेवेन्यू राइज हुआ है 1.3% से, मतलब रेवेन्यू में कोई खास जंप नहीं हुआ है, प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा जंप देखने मिला है। रेवेन्यू मात्र 1.3% से मतलब बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 15,670 करोड़ का, जबकि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू था 50,470 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में कम जंप हुआ है लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है विप्रो का, और इन्फोसिस के प्रॉफिट में भी जंप है और रेवेन्यू में भी काफ़ी जंप है। वहीं एक और बेहतरीन न्यूज़ जो है जो इन्फोसिस के रिलेटेड है कि इन्फोसिस को इस मतलब फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बड़ा डील प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले सारे डील से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए डॉलर 7.13 बिलियन का डील प्राप्त हुआ है इन्फोसिस को, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी मतलब इससे प्रॉफिट और रेवेन्यू प्राप्त होगा। और ये जो डील प्राप्त हुआ है फाइनेंशियल सर्विस वर्टिकल सेक्टर में US, और ऐसा ही आशा किया जा रहा है कि यूरोप में भी आगे भी प्राप्त होगा। तो काफ़ी मतलब सारे डील जो है प्राप्त होने वाले इन्फोसिस के, मतलब IT सेक्टर या कहें पूरे लार्ज कैप स्टॉक में इन्फोसिस सबसे बेहतरीन स्टॉक है। आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस भी देती है और देख लीजिए प्रॉफिट भी लगातार जंप हो रही है। कंपनी लार्ज कैप है उसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट में लगातार जंप, सेल्स में लगातार जंप। तो दोस्तों ये था क्वार्टर के रिजल्ट, दोनों कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स दोनों में इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में भी दोनों का इंक्रीज हुआ है। चार्ट पर देखते हैं कौन सा कंपनी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। अगर 1999 से अभी तक देखें तो जो इन्फोसिस है 11,000% का रिटर्न दे रहा है, और साथ ही साथ 1.55% का डिविडेंड भी दे रहा है। वहीं विप्रो की बात करें विप्रो भी पीछे नहीं है, विप्रो भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है लेकिन इन्फोसिस से थोड़ा पीछे है। विप्रो का 1999 से अभी तक का रिटर्न देखें 3,200% का है, जबकि 11,000% का इन्फोसिस का रिटर्न था। और बोनस शेयर देने के मामले में भी दोनों एक पर एक है, मतलब दोनों किसी से कम नहीं है। तो प्रॉफिट भी दोनों का जंप हो रहा है, सेल्स भी, और साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छा खासा दोनों दिया है। बस इन्फोसिस थोड़ा ज़्यादा दिया है, विप्रो थोड़ा सा कम है। तो टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है, और डिविडेंड भी विप्रो का थोड़ा सा कम है, 0.22% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी कम है इन्फोसिस से। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस, क्वार्टर के रिजल्ट, इन सारे आधार पर आपने देख लिया, और कई सारे वीडियो में हमने बताया भी है कि इन्फोसिस ज़्यादा बेटर है विप्रो से। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो मार्केट कैप जो इन्फोसिस का वो है 5,90,000 करोड़ का, और इसका पी है 31 का, जो कि इंडस्ट्री के पी के जस्ट मतलब इक्वल ही है, थोड़ा सा कम है। और इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें 43 रुपीज़ है, प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 13% है इस कंपनी में, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 25 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
32.6 है, तो काफ़ी बेहतरीन है हर चीज़ में। डिविडेंड यील्ड तो आपने देख ही लिया, करेंट प्राइस है 1387 रुपीज़ इन्फोसिस का, और इसका लो प्राइस था 509 रुपीज़। यहीं पर हमने आपको बताया था कि इन्फोसिस में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, और हाई प्राइस है 1393 रुपीज़, और इसका जो नेट प्रॉफिट है पर ईयर वो है 18,000 करोड़ का, और प्रॉफिट में ग्रोथ देख लीजिए 14% का एवरेज ग्रोथ है, और इसका रिजर्व है 68,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है 4,000 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कर रखा है वो 11,000 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है अलग अलग सेक्टर में। वहीं विप्रो की बात करें तो विप्रो भी अच्छी खासी कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़, वहीं जो इन्फोसिस था वो 5,00,000 करोड़ से भी ऊपर था, ये 2,62,000 करोड़ का है मार्केट कैप, मतलब इन्फोसिस से आधा है मार्केट कैप में। करंट प्राइस है 459 रुपीज़, और यहाँ पर हाई देखिए लो देखिए, लो है मात्र 159 रुपीज़ और हाई बनाया है 467 रुपीज़ का। पी है 25.6 का, जो कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है। रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयमेंट 19.9% है, जो कि इन्फोसिस से काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.5%, और डिविडेंड तो आपने देख ही लिया काफ़ी कम है। अर्निंग पर शेयर 17.80 रुपीज़ का है, और प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 3.21% का है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है पर ईयर 10,000 करोड़ का है, और कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अधिक है, 59,000 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है 7,000 करोड़ का, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर में वो है 26,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो दोस्तों दोनों कंपनी के ऊपर आपने देखा डेट भी है 4,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का विप्रो के ऊपर, और इन्फोसिस पर 4,000 करोड़ का, लेकिन दोस्तों ये डेट काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, साथ साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी इतना है कि अपने एक साल के प्रॉफिट से ये अपने डेट को पूरी तरह से हटा सकता है। और वहीं इन्फोसिस का तो प्रॉफिट 18,000 करोड़ है, मात्र 4,000 करोड़ डेट है, तो 4,000 करोड़ तो वो इजीली चुका सकता है, तो जो छोटी कंपनी होती है उसके लिए डेट काफ़ी, मतलब इतना ज़्यादा डेट काफ़ी मायने रखता है कैसे कंपनी डेट पे कर पाएगी। लेकिन ये सब कंपनियां काफ़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनियां, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, जिसके एक क्वार्टर का प्रॉफिट ही उतना होता है जितना कि इसका डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर, तो एक क्वार्टर के प्रॉफिट के बराबर भी डेट नहीं, तो एक क्वार्टर के प्रॉफिट से अपना डेट मतलब ये हटा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए हर गिरावट पे आपको बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। जो रिजल्ट है काफ़ी फेवर में है कंपनी के, तो शेयर प्राइस में आपको काफ़ी तेजी देखने मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे बोनस देने वाली कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, ग्रोथ भी देती है, ये दोनों कंपनियां आपको हर चीज देती है। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।
आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।